अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्ला। दोस्तों, मैं हूं मंजूर हुसैन और आप दोस्त देख रहे हैं चैनल पैराडाइज प्रॉपर्टी एडवाइज़र। दोस्तों, एक नए घर के साथ यकीनन ये घर आपको मज़ा देगा। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि इस घर में हमारे लिए क्या कुछ है। दोस्तों, मैं इस तरफ से भी व्यू आपको दिखा दूं। ये है जी इस तरफ का व्यू। तो चलते हैं अंदर। दोस्तों, बड़ा कार पोच, दो छोटी गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं और एक बड़ी गाड़ी खड़ी करके दो तीन बाइक भी खड़े कर सकते हैं आप। छतों की सीलिंग वगैरह देख लें। मुझे ये दरवाज़ा बंद कर लेने दें ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि फ्रंट ओपनिंग इसकी कैसी है। माशाल्लाह, ऊंची हाइट का दरवाज़ा, बहुत खूबसूरत घर है। ख़ास तौर पे फ्रंट इसका बहुत ज़्यादा है, आपको देखने में ये 10 मरले लगा होगा। थंबनेल पे आपको ऐसा ही लगा होगा ज़रूर। इस तरफ से भी देख लें, बहुत खूबसूरत घर, छतों की सीलिंग वगैरह। आगे चलते हैं दोस्तों। माशाल्लाह दोस्तों, डिज़ाइनर घर है, बहुत प्यारा बना हुआ, बहुत प्यारा। आप देखते जाएंगे, मज़ा आएगा आपको। ये दरवाज़ा देख लें, बड़े भारी दरवाज़ा, जो भी काम हुआ हुआ, जो भी एसेसरीज लगी हुई, बड़ी कीमती, बड़ी उम्दा लगी हुई। दोस्तों, अगर मैं यहाँ खड़ा होकर दिखाऊँ तो ये देखें, बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए। अमूमी तौर पे इतनी बड़ी विंडोज़ नहीं होती वेंटिलेशन के लिए। वजह क्या है कि फ्रंट बहुत ज़्यादा है। ये फिर आपके सामने छतों की सीलिंग वगैरह, ये फिर पंखा वगैरह लगा हुआ, ठीक है जी। और ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ये जो आपको इसके इधर नज़र आ रहा है, ये गीज़र का पॉइंट है, ठीक है जी। ये मुझे खोल के दिखा रहे हैं, ये गीज़र का पॉइंट है, ठीक है जी। ये आपके सामने ये टूटियाँ वगैरह भी लगी हैं। अच्छा, उसके बाद फिर मैं अगर किचन में चला जाऊँ, माशाल्लाह, अब देखें ज़रा, बहुत खूबसूरत मीडिया वाल है। और छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, पंखे वगैरह, फानूस, लाइटिंग वगैरह, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया है, इस घर को दोस्तों। और ये है जी फिर इसकी मीडिया वाल, और साइड में दो छोटे छोटे रैक भी हैं। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ तो अमेरिकन स्टाइल किचन है जी, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। ये आपके सामने छतों की सीलिंग वगैरह, इस तरफ से भी देख लें। ये जहन में रखिएगा कि ये डबल स्टोरी घर है, तो इसलिए वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, मैंने आपको ऊपर भी लेके जाना है। अभी ये नीचे देख लें, कबर्ड्स वगैरह मैं ये खोल के भी आपको दिखाऊंगा, ये आपके सामने। और फिर यहाँ वेंटिलेशन के लिए, फिर साथ ही देखें बड़ी विंडो, और उस तरफ भी विंडो वेंटिलेशन के लिए, फिर ये भी यानी वेंटिलेशन का बहुत ख़ास ख्याल रखा गया है इस घर में। कोई एक इसमें से खोल के देख लेते हैं, ये आपके सामने माशाल्लाह बड़े दराज चूल्हा वगैरह लगा हुआ, ऊपर भी देख लें कबर्ड्स वगैरह, हुड के लिए स्पेशल जगह दी हुई, ये आपके सामने है। और फिर एग्जास्ट, यहाँ भी छत की सीलिंग वगैरह, ये आपके सामने है। दोस्तों, बेडरूम्स की तरफ चलते हैं। इसमें ये दोस्तों हम आ गए हैं बेडरूम में, ठीक है जी। अब ये आपके सामने छत की सीलिंग वगैरह हुई हुई, और हर कमरे में इन्होंने अलग से एक मीडिया वाल इंस्टॉल की हुई है। इस कमरे में ये मीडिया वाल है, ये आपके सामने, ठीक है जी। और अलमारियाँ बिल्कुल दीवार अंदर है, दीवार की कंसील्ड, ये आपके सामने। और दोस्तों, ये पॉइंट देख लें गीज़र का, और उसके बाद ये फिर वॉशरूम है, ये आपके सामने। वैनिटी किट देख लें, मिरर वगैरह, शावर सिस्टम, छत की सीलिंग वगैरह, और वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन,
आगे चलते हैं दोस्त। दोस्तों हम दूसरे बेडरूम में हैं और जैसा मैंने अर्ज किया कि इस घर में हर कमरे में आपको मीडिया वाल मिलेंगे, तो यहां भी ये मीडिया वाल है, ये आपके सामने है। छत की सीलिंग वगैरह देख लें, ये अलमारी है कपड़ों के लिए, को खोल के दिखा देता हूं मैं, ये आपके सामने है। ठीक है जी, इस तरफ से भी देख लें, और ये फिर यहां से इसको वेंटिलेशन भी है, ये भी आपके सामने है। एसी का पॉइंट दिया हुआ है, और ये फिर इसके साथ अटैच बाथरूम, देसी सीट, और बाकी ये वही आपके सामने एसेसरीज वगैरह। ये फिर वही गीजर का पॉइंट आ गया, ये भी आपके सामने। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं दोस्तों, बल्कि ऊपर चलते हैं, थोड़ा अगे चलिए ना जानते रहना ना। अच्छा ये दरवाज़ा मेरा दिल है कि मैं एक बार ना अंदर से आपको दिखाऊं। अब देखें ज़रा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम हुआ है। ये फिर सीढ़ियों के नीचे वाशरूम है, छोटा सा जैसे मुमन बना दिया जाता है, लेकिन इंग्लिश सीट के साथ, ये आपके सामने है। ये मोटर और बोर वगैरह के लिए, ये भी आपके सामने, बिल्कुल छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ, बच्चा हो बुजुर्ग हो आसानी से चढ़ सकता है। अगर आप इसको रेंट आउट करना चाहें फर्स्ट फ्लोर को, तो ये दरवाज़ा अलग से है, यहाँ शीट लगा के आप रेंट आउट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। अच्छा ये फिर एक अलग से ऊपर इन्होंने, यहाँ ये आपको एक इजाफी कमरा मिल जाता है, ये आपके सामने प्रॉपर ग्रिल लगाई है सिक्योर के लिए, ताकि कोई बच्चा वगैरह गिर ना जाए। हम ऊपर भी जाएंगे, मैं आपको ममटी दिखाऊंगा, लेकिन इस तरफ से आप देख लें, छत की सीलिंग हुई हुई, पंखा वगैरह लगा हुआ। इसको थोड़ा आप इस तरफ मूव करें और बाहर आ जाए। ठीक है जी, ये आपके सामने, अब गली भी देख लें और इस तरफ से भी देख लें। ठीक है जी, तो अंदर चले चलते हैं, बाहर ठंड ना लग जाए। दोस्तों ये ऊपर वाले ड्राइंग रूम में हम आ गए, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बड़ा नफीस घर। मैंने इस तरह का डिज़ाइन पहले बहुत, यानी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं मेरे हाथ से, 700 वीडियोज़ हैं या शायद ज़्यादा ही होंगी मेरे चैनल पे, लेकिन इस तरह का डिज़ाइन मैंने 5 मरला घर का कभी नहीं देखा पहले। वजह फ्रंट है इसका, कि फ्रंट बहुत ज़्यादा है, और इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ वेंटिलेशन के लिए, ये भी यहाँ भी आपके सामने, और ये फिर वही वो यहाँ वही पॉइंट आ गया। ठीक है जी, और अगर मैं इस दरवाजे को बंद कर दूं, अब मैंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया ना, किचन इसका बड़ा खूबसूरत अमेरिकन स्टाइल किचन इसमें दिए गए हैं, और दोनों पोर्शंस में। अब ये मैं मीडिया हॉल के पास खड़ा हूँ, नीचे ये बड़ी ही खूबसूरत सी टाइल है। अच्छा ऊपर मुख्तलिफ डिज़ाइन है, नीचे टाइल वगैरह का मुख्तलिफ डिज़ाइन है, ये आपके सामने माशाल्लाह किचन का वही स्टाइल है। बाकी ये छतों की सीलिंग वगैरह देख लें, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, ये आपके सामने है। और उसके बाद अगर मैं नज़दीक जा के दिखाऊँ, तो ये फिर थोड़ा आसानी के लिए, ये आप देख सकते हैं, हाँ जी ये इसको खोल के देख लें आप, और उसके बाद फिर इसको खोल के देख लें, बड़ी माशाल्लाह आसानी दी हुई है यहाँ। ये दराज खोल के देख लेते हैं, तो ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एग्जॉस्ट फैन, छत की सीलिंग हुई हुई, ये आपके सामने बहुत खूबसूरत माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन। ये ऊपर से भी ये देख लें, और दोस्तों अगर मैं किचन में खड़ा हो जाऊँ, तो बिल्कुल फिर सामने टक्कर पे मीडिया वाल है, और उसी तरह जैसे नीचे थी बहुत खूबसूरत मीडिया वाल, ये भी आपके सामने। दोस्तों बेडरूम्स देखते हैं, ये हम बेडरूम में हैं। अब इस घर के तीसरे बेडरूम में हम इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है जी, ये भी आपके सामने, छतों की सीलिंग वगैरह मुनफरद डिज़ाइन है ये बिल्कुल ही, और ये फिर अलमारी है उसी तरह कपड़ों के लिए,
कंसील्ड अलमारी है, बिल्कुल दीवार के अंदर है, ये आपके सामने है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा आगे चलें तो ये फिर वॉशरूम है, उसी तरह वेंटिकेट, इंग्लिश सीट और ये शावर सिस्टम, वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन, छतों की सीलिंग वगैरह, ये आपके सारा सामने। और अगर मैं इस तरफ दिखाऊं तो यहाँ से फिर ये वेंटिलेशन के लिए इस तरफ विंडो है और ये फिर मीडिया वाल है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हर बेडरूम के साथ एक मीडिया वाल है, इंटरनेट का कनेक्शन है, दोनों आप देख सकते हैं ये आपके सामने। और दोस्तों उसके बाद अगर फिर दूसरे बेडरूम में जाएं तो ये हम आ गए हैं दूसरे बेडरूम में। मुझे इसका दरवाज़ा बंद कर लेने दें। अब ये फिर उसी तरह कंसील बिल्कुल अलमारी है, यहाँ बिल्कुल दीवार के अंदर, ये आपके सामने, ये छत की सीलिंग वगैरह देख लें। और फिर उसी तरह मीडिया वाल है, ये भी आपके सामने है, इस तरफ भी देख लें। यहाँ थोड़ा ये मसला है, शायद पेपरिंग वगैरह की गुंजाइश है जो भी है, ये आपके सामने है। और उसके बाद इसमें फिर वेंटिलेशन के लिए ये सामने अलमारी है, एसी का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है जी। और उसके बाद फिर ये वॉशरूम है, ज़रा बड़ा वॉशरूम है, इंग्लिश सीट, शावर सिस्टम, वेंटिकेट, ये मिरर वगैरह, वेंटिलेशन के लिए विंडो, एग्जॉस्ट फैन और ये फिर छत वगैरह, ये आपके सामने। दोस्तों हम चलते हैं छत पे, छत पे इस घर की छत पे मैं ख़ास चीज़ आपको दिखाऊंगा, तो इसलिए वो देखे बिना आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। दोस्तों छोटे स्टेप की सीढ़ियाँ उसी तरह, बिल्कुल छोटे स्टेप की, यानी मेरे जैसा जवान बंदा भी आसानी से ये सीढ़ियाँ चढ़ सकता है, तो आप जैसे नौजवान तो और भी ज़्यादा आसानी से चढ़ पाएंगे। बड़ी मंटी है आपके सामने, बड़ी विंडो है वेंटिलेशन के लिए, काफ़ी सारा फालतू सामान रखने की गुंजाइश इसमें है, ये आपके सामने। और दोस्तों मैं आ गया हूँ छत पे, ये है वेंटिलेशन के लिए और ये है गीज़र का पॉइंट, ये दोनों मैंने आपको नीचे दिखाए। अच्छा ये फिर कपड़े वगैरह धोने के लिए लॉन्ड्री का एरिया, टूटियाँ वगैरह लगा के प्रॉपर इन्होंने दिया हुआ। जो ख़ास चीज़ मैं दिखाना चाहता था वो ये है, टिक्का सिस्टम, भुनी जाओ टिक्के, खाई जाओ टिक्के, बनाई जाओ टिक्के, तो जो बनाओ कभी साढ़ी भी दावत कर लेना, अल्लाह रहे मकान तो साढ़े को लेंदे रहेंगे हो, कभी टिक्के वगैरह भी जरा खिला दिया करो। दोस्तों उसके बाद ये फिर यहाँ दो गमले वगैरह रख के बड़ा खूबसूरत है। तो दोस्तों ये बेसिकली ये जगह जो है ये है जी राह अमन रोड, कुरैशी चौक के पास ये है, और 5 मरले का घर है, 37-38 की डायमेंशन में, यानी फ्रंट बहुत ज़्यादा है इस घर का, 5 मरला घर, रावलपिंडी और राह अमन रोड, कुरैशी चौक, डबल स्टोरी घर, ऊपर बड़ी ममटी भी, बिजली है, पानी है, पानी का बोर है। और दोस्तों इस घर की डिमांड है 2,40,00,000। इस घर के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर वीडियो के टाइटल के साथ होता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दुआ में याद रखा करें, बहुत शुक्रिया।